कलर बता दो क्या लिखा हुआ है, कलर बताओ, कलर लिखा क्या, लिखा क्या, कौन सा रंग लग रहा है आपको ये? रुको 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 रुको, कौन सा रंग है ये? स्टारबक्स अगर आपको मांगना तो एक रूल है, सब्सक्राइब टू YPM Vlogs एंड लाइक द बेल आइकन। वेल सो व्हाट इज अप गाइस, YPM Vlogs बैक हियर दुबई। कैसे हो आप लोग? एक्चुअली अभी अंकल जी साथ में हैं और अंकल जी का आज हमने खुलवाना है बैंक में अकाउंट। तो अंकल जी का जो पासबुक है ना, पासबुक चेकबुक चेकबुक वो घर लेने के लिए जाना है। बिकॉज अंकल जी को मैंने स्पेशली कहा था कल फोन करके, अंकल जी वो लेकर आना, लेकिन वो भूल गए हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अंकल जी पहले घर चलते हैं। और आज अंकल जी बहुत सारे काम है, मेरी एक मीटिंग भी है 4 बजे, तो मेरे को वो वाली मीटिंग भी अटेंड करनी है। और उसके बाद मेरे को पापा वाला फोन है ना पुराने वाला, वो बेचना भी है। अच्छा। तो वो बेच के पापा कह रहे कि पैसे वैसे तो कर लो तुम, बिकॉज कुछ फायदा नहीं पहले फोन को भी रख के, तो वो बेचना भी है। तो मतलब आज बहुत सारे काम है, इसलिए कर रहे हैं हम डे को स्टार्ट 1 बजे। ये जो फोन है ना फोल्ड, ये वाला बेचना है, बिकॉज अंकल जी फोन रख के कोई फायदा नहीं है। सही बात, इसको बेच के आ जाएंगे, बिकॉज पैसे अपने पूरे हो जाएंगे। लो पकड़ो इसको। मैं उस दिन मुझे कह रहे थे कि आपको मेरे को 100 रुपए नहीं दिए, फिर मैंने अंकल को 200 रुपए का नोट पकड़ा दिए। अरे इनको मैं 200 रुपए दे चुका हूँ, गुस्सा होते रहते हैं। अभी इनको लेके आ गया हूँ बैंक पे, लेकिन फिर एक अंकल जी ने बात बताई है बहुत बढ़िया, इनका पैन कार्ड नहीं है। पता करना पड़ेगा कि पैन कार्ड के बिना बन जाएगा क्या अकाउंट। अकाउंट तो खुले, ओपनिंग की वो तो बने। मैंने अंकल जी को उस दिन रिक्वेस्ट करी थी कि अंकल जी अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो, आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है। और अंकल जी ने फिर ये वाली बात मेरी मान ली, तो पता लग रहा है इनका पैन कार्ड ही नहीं है। हम भी बैंक गए और उन्होंने क्या बोला? जो बोलो सही बोलो। आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो अकाउंट कैसे खुल जाएगा? आपका पहले कैसे अकाउंट चल रहा है, पहले वो ये बताओ। कैसे चल रहा है बिना पैन कार्ड के? मुझे अगर पहले पता होता ना, मैं अंकल जी का पैन कार्ड है सबसे पहले अप्लाई करवा देता, लेकिन अभी इन्होंने बोला कि उसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। आपको जो पैन कार्ड का नंबर है ना, वो आपके SMS पे आ गया होगा। और इन्होंने क्या हरकत करी है, इनके जो पैन कार्ड जहाँ पे इन्होंने अप्लाई करवाया, उन्होंने अपने दे दिया नंबर बेटे का, और बेटा फोन नहीं उठा। थोड़े दिन पहले ना हम गए थे घिटोरनी, वहाँ पे एक बोर्ड था जो था ब्लू कलर का, बट अंकल ने उसको बोल दिया कि वो हरे रंग का है। कौन सा रंग लग रहा है आपको ये? रुको रुको रुको, कौन सा रंग है ये? हम तो दूर से देखेंगे बोलेंगे भैया ये हरा कलर है। ये हरा रंग है। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि ये क्या दिक्कत है। तो फिर अंकल पापा मामा ने मेरे को बोला कि आपका जो है ना एक बार टेस्ट करा दूं मैं आंखों का। तो फिर मैंने वो आज बुक करा हुआ है, मैंने भी अपना भी करा है, मम्मा का भी करा है, और अंकल जी का भी बुक करा है। तो आज हम वो भी कराने वाले हैं, और देखते हैं अंकल जी आपको टच वोड वैसे कोई दिक्कत हो ना, बट अगर चश्मा लगने वाला हुआ तो वो बता देगी मशीन जो पूरा लेकर के आते हैं वो तांझाम अपना, वो बढ़िया हो जाएगा। तो 5:30 बजे की आज वो अपॉइंटमेंट है, तो वो भी एक काम है। डेली डोज ऑफ कैफीन आ चुकी है साथ में। मैंने अंकल जी बंदा देखा, वो पूरा दिन नहीं बैठता स्टारबक्स में। ऐसे पता पता क्या, सुनो जैसे हम तो लेके चले जाते हैं ऑर्डर को, वो क्या करता है यहीं पे बैठ के उसने ऑफिस बना लिया और यहीं बैठा रहता है। वो एम्प्लॉई मुझसे कह रहा है कि सर ये पूरे दिन यहीं मिलेंगे आपको, जब भी आप आ जाओ स्टारबक्स अगर आपको आना, तो एक रूल आपके पास लैपटॉप होना चाहिए मैकबुक एयर, मैकबुक एप्पल वाला, और कोई लैपटॉप नहीं होना चाहिए या प्रो होना चाहिए। और आराम से दिन भर एक कॉफी ले लो आराम से, और पूरा दिन यहाँ आराम से बैठो, कोई कुछ नहीं बोले। हाँ वो अंकल जी लिटरली ऑफिस बना के बैठा है। मैं देख रहा हूँ जब भी मैं स्टारबक्स ऑफिस, वैसे अंकल जी अगले बंदे की मर्जी है, हम कुछ नहीं बोल सकते, बट मैं एक चीज बोलता हूँ, जो इनके एम्प्लॉयज है वो तक मेरे को बोलने लग गए हैं। मैंने देखा कि यार मैं जब भी आता हूँ मैं देखता हूँ यही बैठा हुआ है यार। जो पापा वाला फोन है ना वो सेल कर दिया है फिलहाल ये भैया को, और अभी बस पेमेंट लेकर के चल रहे हैं। अभी घर आ गए हैं फोन वोन सब बेच के, और अभी वो आइक वाले आ रहे हैं आँख चेक करने के लिए। तो फिर ऊपर आ जाना, जब वो आएंगे तो उनको ऊपर भेज देना, इनकी आज आँख चेक करवा रहे हैं क्योंकि ये ब्लू रंग को हरा बोलने लग गए हैं। गाड़ी चाहिए, टॉय RC रिमोट कंट्रोल वाली कार और चाहिए। हमें सुन तो लो, मुझे पता क्या बोल रहे थे, कह रहे थे मैंने लैम्बो ले दी, अभी देखो वो चाहिए। नहीं तो वो तो चीज अलग है ना, उसके लिए पापा का कार्ड चाहिए होगा, और जब कार्ड हाथ में आएगा तो उसके बाद हम खर्चे और हो जाएंगे। भैया आ गए हैं टेस्ट करने के लिए। पूरी मशीन वशीन लेकर आए हैं, दर्द भी नहीं होती इसमें, कुछ भी नहीं है, डायलॉग नहीं करते। अच्छा दर्द होता है? नहीं, अरे आ जाओ अंकल, डरो मत आप। इनको जो दिखता है ना कलर दूसरा, तो मैंने वो भैया को बुलाया, अभी वो टेस्ट करेंगे पूरा। हाँ टेस्ट करेंगे इनका, इनको नजर नहीं आता। हाँ नजर खूब आता है,
कलर अगर पहचान में न आए तो मिस अंडरस्टैंडिंग। अरे अच्छा जी, एक नंबर को सात नंबर बोल देते हो, डरो मत आप। सबसे पहला टेस्ट अंकल जी का करा रहे हैं, नहीं तो ना ये याद कर लेंगे कि अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। 10 फीट करते हो ना, नंबर पढ़ दो। पकड़े गए अंकल जी, पकड़े गए। कलर बता दो क्या लिखा हुआ है, कलर बताओ। कलर लिखा है और ग्रीन कौन सा है? ब्लू इधर वाला ब्लू है, उसके बाद जो है नहीं नहीं जो मैंने कहा था ना, एक जो है ऑरेंज टाइप का है। मेरी बात सही थी भैया? और एक बात बताओ, इनको नंबर लगा हुआ है चश्मे का? इनकी आईज वीक है। मैंने क्या बोला था अंकल, चश्मा लगा हुआ है आपको, आप मना करते थे। दोनों अब मम्मा का टेस्ट हो रहा है। 8 3 4 2 9 Eventually ठीक है भैया, आपने सबका बड़ा मजाक उड़ा लिए। अब थोड़ी अंकल जो टेस्ट था वही तो बताया। कोई नहीं, मैं अब आपका देखता हूँ। क्या देखना है आपको मेरा? 2 8 5 6 8 3 4 2 6 8 2 3 4 9 3 4 2 8 चश्मे की? नो बच्चा, कभी ना करें। ठीक है, बाकी अभी मम्मा अपने लिए फ्रेम्स देख रही हैं। बात बताओ, अगर आप कभी ड्रिंक एंड ड्राइव करोगे, क्योंकि नहीं करना चाहिए देखो टेक्निकली, तो आपकी तब कैसी विजन होगी? पीने की बात अच्छी हो जाएगी। अभी हम आ गए सब्जी लेने के लिए, ये लेकर के आएंगे ब्लाइंड स्कूल के अंदर, जो कि हम रास्ते यूजली जाते ही थे पहले, बहुत दिनों से नहीं गए। लेकिन आज क्या ले रहे हैं फिर? अभी आलू ले लिया, फल ले लिया, शिमला ले रहा हूँ। ये आ गया भाई, आज बड़े दिनों बाद आया है भाई। लात ये वाली ब्लैक PPF है, मैं ये वाली करवाऊंगा अपनी गाड़ी में। जस्ट सी कितनी ज़्यादा ब्लैक लगती है, मतलब एक तो रैप होता है ब्लैक, और ये पूरी ही ब्लैक है, जेट ब्लैक, पूरी बैटमैन वाली फील आएगी इसमें। और भाई अभी जस्ट मैं गया था दोस्त के काम से, वो जो काम था वो करवा के आया हूँ उनकी गाड़ी के अंदर, तो वो जो चीज़ें आई थिंक मैं कैमरा पे कवर नहीं करता मोस्टली, तो इसलिए क्या होता क्या है कि बहुत चीज़ें मैं ऑफ कैमरा भी करता हूँ, तो लाइक कुछ दोस्त से मिल लिया या बहुत चीज़ें होती हैं जो कि कैमरा पे नहीं दिखाई जाती, तो इसके लिए मैं फॉलो करूँ इंस्टाग्राम आईडी पे जो कि है YPM Vlogs। और ख़त्म करते हैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे, बहुत थक चुका हूँ। सुबह उठा था 11 बजे, 12:30 बज गए हैं अभी। अंकल जी गलत काम करते पकड़े के दोबारा आज। हाँ जी, वो क्यों बना दिया है इतना गलत? पियोगे भैया आप? वो भी साथ में मारेंगे, देखना अभी।